देखिए यहाँ पर इट का यूज है ना, इट का यूज है, और ये समझना है कि इट का यूज कैसे करना है। जनरली लोगों के दिमाग में क्या सेट रहता है कि इट का यूज नॉन लिविंग के लिए करना है, गलत है भाई, है ना। अभी देखो इट का यूज कहाँ कहाँ करना है, लिविंग के लिए भी करना पड़ता है इट का यूज। कैसे करना है तो देखो, इट का यूज दो तरीके से होता है, क्लियर है। एक तो होता है कि एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, एक क्या होता है इट का यूज एज एन इंट्रोडक्टरी, एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, एक तो होता है इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, समझ रहे हैं ना। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह यूज करने का मतलब यूज तो किया जाता है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है ना, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे अगर मैं कहूँ आज, आज क्या है, शुक्रवार। जैसे मैं कहूँ आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, तो इसकी तो इंग्लिश दो होती है। अगर आप एक ऐसे रफली मतलब स्पोकन इंग्लिश के सेंस में देखोगे तो देखिए यहाँ इट का यूज एक होता है एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब होता है कि कोई अर्थ नहीं होता। जैसे आज शुक्रवार है, इसकी दो इंग्लिश होती है ना। एक तो होती है कि अगर स्पोकन के सेंस में जाओगे तो होती है टुडे इज फ्राइडे, टुडे इज फ्राइडे, एक ये होती है। लेकिन ग्रामर कहता है कि ये गलत है, ग्रामर के अनुसार आज शुक्रवार की इंग्लिश टुडे इज फ्राइडे गलत है। तो इसकी भाई सही इंग्लिश तो क्या होगी, तो ग्रामर कहती है इसकी सही इंग्लिश होगी इट इज फ्राइडे, इट इज फ्राइडे टुडे, इट इज फ्राइडे टुडे, ग्रामर के अनुसार ये सही है। अब भैया ठीक है ये सही है, क्या यहाँ इट का अर्थ निकल रहा है, इट मतलब यह, इज मतलब है, फ्राइडे मतलब शुक्रवार, टुडे मतलब आज, यह आज शुक्रवार है, ये क्या है, नहीं निकल रहा है ना। जब इट का मतलब ना निकले, है ना, जब इट का मतलब ना निकले तो इट को, इट किसकी तरह यूज होता है, एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह ही यूज होता है। इतना समझ पाए ना। अच्छा, एक तो इट का यूज इस तरह से यूज होता है, और जो दूसरा इट का यूज होता है वो होता है कि एज आ प्रोनाउन। दूसरा इट का यूज किसके रूप में होता है, एज आ प्रोनाउन के रूप में होता है। और जब इट का यूज एज आ प्रोनाउन के रूप में होता है तो उस समय इट का सेंस यह के रूप में निकलता है। इट का सेंस क्या निकलता है, यह के रूप में निकलता है। कब निकलता है, जब इसको एज आ प्रोनाउन की तरह यूज किया जाता है। तो समझ में आया, जैसे मैं कह दूं यह एक कलम है और यह काली है, यह एक कलम है, देखो यह एक कलम है, कलम है और यह क्या है, काली है, यह एक कलम है और यह काली है। तो देखो यह एक कलम है, इसकी इंग्लिश तो हो जाएगी दिस इज अ पेन, एंड यह काली है। अब यहाँ दूसरी बार यह की इंग्लिश इट लिखा, इट इज ब्लैक, इट इज ब्लैक। तो अभी यहाँ देखो इट का सेंस यह से निकल रहा है कि नहीं, बोलो, इट का सेंस यह से निकल रहा है। क्यों निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर इट को किसके तरह यूज किया गया है, एज अ प्रोनाउन, है ना, एज अ प्रोनाउन। अगर इट को एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ये बोलो समझ में आया, तो एक काम करो इसे पहले लिख लीजिए फिर आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए इट को हम लोग पहले तो देखेंगे एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह। तो देखो इट को एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब ये तो समझ में आ गया ना, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब यही हुआ कि इट का कोई मतलब नहीं आएगा, लेकिन इट अगर नहीं रहेगा तो पूरा भाई गलत कर देगा, है ना, ये चीज होता है। तो जैसे देखो अब कौन कौन से केस हैं जहाँ इट का कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो केस हैं, देखो वो केस क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है टाइम का, अभी पहले समझ लो फिर लिखना, है ना, वो केस कैसा हो सकता है, टाइम का,
फिर कैसा केस हो सकता है डे का, है ना, और कैसा केस हो सकता है मंथ का, ठीक है, कैसा केस हो सकता है मंथ का और किसका ईयर का, ठीक है, ईयर का हो सकता है, या वो केस हो सकता है सीजन का, समर सीजन है ना, विंटर सीजन, इस तरह से सीजन का, या वो केस हो सकता है डेट का हो सकता है, क्लियर है ना, या वो केस हो सकता है ऐसा नेचुरल हजार्ड्स का, जैसे रेन के केस में आपको पता है इट लगता है ना, क्लियर है, समझ में आया, ये चीजें हैं आपका, तो ऐसे आगे लगा देते हैं ईटीसी, क्लियर है। अभी टाइम के केस का मतलब क्या हुआ, जैसे समझो देखो एक काम करते हैं, पहले डे के केस में कंप्लीट कर देते हैं, तो डे कितने, सात, अरे दिन तो सात ही हैं, डे सात हैं, जैसे मैं कह दूं आज मंगलवार है तो इट इज, क्या बोलोगे आप, ट्यूजडे टू डे, देखो यहाँ पर मैं कह दूं आज मंगलवार है, इट इज ट्यूजडे, आज मंगलवार है, तो आप कहोगे इट इज ट्यूजडे टू डे, इट इज ट्यूजडे टू डे, मैं कह दूं आज मंगलवार था तो इट वाज ट्यूजडे टू डे, क्लियर है, मैं कह दूं आज मंगलवार होगा इट विल बी ट्यूजडे टू डे, समझ में आया, क्लियर है इतना। अब भाई कुछ भी हो सकता है, मैं कह दूं कल सोमवार है तो इट इज मंडे, और आने वाले कल की इंग्लिश टुमारो, तो इट इज मंडे टुमारो, समझ में आया। तो इस तरह से कोई भी डेट डे होगा सात दिनों में से, आज हो कल हो, ठीक है, तो क्या लगाना आप, इट लगाना, क्लियर है, समझ में आया इतना। और यहाँ इट सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसलिए इट के अनुसार इज लगा, ये पास्ट का केस होता तो इट के साथ क्या लगा देते, वाच लगा देते, समझ में आया इतना, क्लियर। तो पहला डेट डे हो गया, अब दूसरा देखो, मान लो हम आ जाते हैं मंथ में, किसमें आ जाते हैं मंथ में, अब इसी को आप चेंज कर दो, जैसे मैं कह दूं आज नहीं जनवरी का महीना है, जनवरी का महीना है, तो इट इज मंथ ऑफ जनवरी, समझ पाए। मैं जैसे कह दूं कि जनवरी का महीना है, ठीक है, जनवरी का महीना है, तो क्या हो जाएगा, इट इज मंथ ऑफ जनवरी, ये हो गया जनवरी का महीना है, समझ में आया। मैं कह दूं जनवरी का महीना था तो इट वाज मंथ ऑफ जनवरी, है ना, जनवरी का महीना होगा, इट विल बी मंथ ऑफ जनवरी, समझ में आया, yes, इतना क्लियर है। तो ये हो गया, डे क्लियर है, डेट भी क्लियर है, yes, है ना। मैं अब जैसे मैं बात कर दूं सीजन का, अब ऐसे रफली बता दे, सीजन गर्मी का मौसम है या गर्मी का सीजन है, तो इट इज समर सीजन, सर्दी का सीजन है इट इज विंटर सीजन, वर्षा का मौसम है इट इज रेनी सीजन, समझ में आया भाई, क्लियर है, ये भी आपका हो गया, क्लियर है ना। टाइम की बात करूं, जैसे मैं कह दूं 9 बजा है, मैं क्या कह दूं 9 बजे है, तो क्या आप बोलोगे इट इज 9 o'clock, सुबह के 9 बजे हैं तो इट इज 9 a.m, चाहे 9 o'clock बोलो चाहे 9 a.m, am मतलब होता है सुबह, है ना, समझ में आया, समझ में आया। मैं कह दूं 12:30 बजे इट इज 12:30, आप क्या बोल सकते हो 12:30 को, ये तो बोलोगे ना 12:30, इट इज 12:30, क्लियर है, या 12:30। रेन की बात करें, जैसे वर्षा होती है इट रेन्स, वर्षा हो रही है इट इज रेनिंग, है ना, वर्षा होती है इट रेन्स, क्लियर है, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है इसलिए ऐसी है, वर्षा हो रही है तो इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही थी तो इट वाज रेनिंग, समझ में आया। डेट की बात करें, मैं क्या बात करूं डेट की, जैसे मैं कह दूं आज है ना 26 जनवरी, या कल 24 सितंबर, कल 24 सितंबर 2022 है, या कल होगा, कल क्या होगा 24 सितंबर 2022 होगा, तो क्या हो जाएगा इट विल बी
24th September 2022 टुमारो, क्लियर है, समझ में आया, ये हो गया आपका। बस तो इट को एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कैसे यूज करेंगे, ये चीज समझ में आया। अब कुछ सेंटेंस मैं बोलूंगा, आप लोग को रिवीजन करना है ना। जैसे देखो, अच्छा यहाँ पर हाँ, जैसे देखिए आज रविवार है तो इट इज संडे टुडे, सोमवार था इट वाज मंडे, है ना, सन 1950 था इट वाज 1950, इट वाज 1950, आज 7 मई है इट इज 7th मे टुडे, समझ में आया। आप बोल सकते हो इट इज द 7th ऑफ मे टुडे, आज बहुत गर्म है तो इट इज वेरी हॉट टुडे, ओले गिर रहे हैं तो इट इज हेलिंग HAILING, बारिश हो रही है इट इज रेनिंग, क्लियर है। अच्छा, रिमझिम वर्षा हो रही थी इट वाज ड्रिजलिंग, देखिए रिमझिम की इंग्लिश ड्रिजल DRIZZLING, है ना, रिमझिम वर्षा हो रही थी तो क्या हो जाएगा इट वाज ड्रिजलिंग, जाड़े का दिन था इट वाज विंटर, बारिश हो रही है इट इज रेनिंग, समझ में आया। जैसे मैं कह दूं 4 बजा है तो इट इज 4 o'clock, इट इज 4 o'clock, 4:30 बजा है इट इज 4:30, है ना, ऐसे या आप ऐसे बोल सकते हो इट इज 4:30, अभी इसको हम अलग से टाइम वाला बता देंगे, अभी ये बोलो क्लियर है ना। तो इट को एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कैसे यूज करेंगे, पूरा क्लियर है ना, चलिए इसे लिख लीजिए। चलिए देखिए अब अगला क्या है तुम्हारा, इट को एज अ प्रोनाउन, जब इट को एज अ प्रोनाउन यूज करेंगे तो इट का सेंस क्या निकलता है, यह से निकलता है ना, और इसका यूज कहाँ किया जाता है, देखो इट का यूज यह के सेंस में कहाँ किया जाता है, निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है, किसके लिए, निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है, या जो है जानवरों के लिए किया जाता है, ध्यान देना, जानवरों के लिए किया जाता है, और कहाँ किया जाता है, छोटे छोटे बच्चों के लिए किया जाता है, छोटे छोटे बच्चों के लिए किया जाता है, बच्चों के लिए, खासकर तब जब उनका जेंडर ना, जेंडर कंफ्यूजन हो, जब क्या हो, जेंडर कंफ्यूजन हो, है ना, जेंडर कंफ्यूजन का मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो कोई बच्ची है लड़की लेकिन लड़का वाला कपड़ा पहनी और तुम पहुंची, है ना, कि मतलब आप कंफ्यूज हो गई कि आप लड़का समझ ली तो घर वाले बता रहे हो लड़की, अब अच्छा लड़की, जब जेंडर कंफ्यूजन है ना तब वहाँ क्या लगेगा, जैसे देखो मैं कहूँ, मैं पता है अपने गली से होकर जा रहा था, मैंने देखा कि एक बच्चा रो रहा, ठीक, मैंने एक बच्चे को देखा या एक बच्चा देखा, है ना, देखा वो क्या कर रहा था, वह रो रहा था, तो देखो मैंने एक बच्चा देखा, आई सा आ बॉय, मैंने एक बच्चा देखा वह रो रहा था, वह या वो रो रहा था, अरे सॉरी बॉय नहीं होगा भाई, अरे सॉरी यार बेबी कर दो, ठीक है, मैंने एक बेबी को देखा, ठीक है, वह क्या कर रहा था, रो रहा था, देखो वह रो रहा था, ही किसी, अच्छा रोने से पता चल जाएगा, अरे जैसे देखो मैं अपने मोहल्ले की गली से होकर जा रहा था, देखा कि एक बच्चा रो रहा है, मैंने एक बच्चे को देखा और देखा हुआ रो रहा है, अब देख कर तुम कैसे पहचान गए कि ही है वो, मेल ही है, नहीं आप बताओ मेल ही है, हो सकता है फीमेल हो तो, हो सकता है वो मेल हो तो, मतलब जेंडर कन्फ्यूजन है कि नहीं, अरे छोटे बच्चे क्या पहचान हो गया, समझ में आया, मतलब वहाँ है तो वहाँ पर ना तो ही लगाना, ना तो सी लगाना, बल्कि लगाना इट, क्योंकि वो बच्चा
लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। स्लीपिंग कंफ्यूजन है कि नहीं? ये बताओ कंफ्यूजन है कि नहीं? ये बताओ भाई, कंफ्यूजन है ना। जब कंफ्यूजन रहे ना, किसी को भी देखो, अगर तुमको लगे भाई ये यार मेल है कि फीमेल, समझ ईट लगा है ना। जैसे ईट लगा दिए, अब तुम समझ लेना ही होगा तब भी सही, सी होगा तब भी सही, ठीक भाई। हाँ, तो ये हो गया ईट और वाज क्राइम। अब बच्चा भाई क्राई करेगा, बच्चा चिल्ला चिल्ला कर रोएगा, है ना। तो ईट वाज क्राइम, समझ में आया? बोलो इतना क्लियर है? तो एक तो इसके लिए यूज होता है, और दूसरा यूज ये होता है कि जब नाउन या प्रोनाउन को महत्व दिया जाता है। अभी कैसे देखो, अभी ध्यान से समझना। नाउन या प्रोनाउन को इम्पोर्टेंस देने के लिए, नाउन या प्रोनाउन को इम्पोर्टेंस का मतलब महत्व होता है ना, महत्व देने के लिए, ठीक। नाउन या प्रोनाउन को महत्व देने के लिए कैसे? जैसे देखो, मान लो क्या हुआ, आप गए थे घूमने, आप गए थे कहाँ? घूमने गए थे, और आप रात को थोड़ा देर पहुँचे, ठीक। और आप देर पहुँचे, दरवाजा को आपने खटखटाया, दरवाजा को आपने क्या किया? खटखटाया, और बापू आए भाई दरवाजा खोलने, बाकी सब लोग सो गए थे। बापू पूछ रहे कौन है? तुम कह रही हो मैं ही तो हूँ। तुम क्या कह रही हो? मैं ही तो हूँ ना, आप ये तो बताते हो मैं ही तो हूँ। बापू समझ जाते हैं, अच्छा लड़के मैं ही तो हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं ही तो हूँ, इसकी इंग्लिश आप क्या बनाओगे बताओ? आई। अब बनाओ, फंस गया ना, है ना, मैं ही तो फंस गया। अब यहाँ पर इसकी इंग्लिश होगी इट्स, देखो इट्स आई, लेकिन जो लोग यूज करते हैं ना वो यूज करते हैं इट्स मी। देखो इट्स मी ग्रामर के हिसाब से सही है, ग्रामर के हिसाब से गलत है, क्योंकि ग्रामर कहता है कि इट इज के बाद आई लगाओ। अरे भाई मैं ही तो हूँ या मैं हूँ, अब डरते हो, डरते बोले मैं हूँ, सामने आओ तुम, पहले आओ अंदर, है ना, ऐसे दिमाग लगाओ ऐसे, क्लियर है। तो मैं ही तो हूँ या मैं हूँ, तो बात किसके बारे में आप कर रही हो? अपने बारे में। मैं ओरिजिनल सब्जेक्ट इट है कि आई है? आई है ना। तो सब्जेक्ट को हमेशा सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, तो मी तो ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ये ग्रामर, ये देखो स्पीकिंग में सही चल सकता है, ग्रामर के अनुसार गलत। ग्रामर के अनुसार कहता है कि इट इज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस, ही सी आई रखो, है ना, इट मत रखो, ठीक है। तो इट इज, इट इज आई, इसका मतलब मैं हूँ या मैं ही तो हूँ। तो आप अपने आप को क्या दे रहे हो? इम्पोर्टेंस दे रहे हो, बापू मैं ही तो हूँ, मैं हूँ, है ना, क्लियर है, समझ में आया? तो इस तरह से, या अगर जैसे मैंने ही तो उसे गाली दी, मैंने ही तो उसे गाली दी है। जैसे अब कभी ऐसे यार पता नहीं कौन आया रात को, गाली देकर चला गया, रात को मैं सो रहा था, आया खिड़की के पास से गाली देकर चला गया। तो मैं कह रहा हूँ मैं ही तो हूँ, मैंने ही तो तुम्हें गाली दी है, मैंने नहीं दी है, लेकिन यहाँ सेंटेंस के अंदर आने पहुँच जाओ फौज लेकर, देखो यहाँ मैंने ही तो तुम्हें गाली दी है, मैंने ही तो तुम्हें गाली दी है। तो देखो मैंने ही तो तुम्हें गाली दी है, यानी कि आप दिखाना, अरे यार मैं हूँ, तुम पहचान भी नहीं पाए, है ना। तो इसका मतलब होगा इट्स आई या इट इज, इट इज आई मतलब वो मैं ही हूँ। इट इज आई का मतलब क्या हुआ? वो मैं ही हूँ जिसने क्या किया, जिसने, अब जिसने की इंग्लिश हु, जिसने तुम्हें गाली दी है, तो हु हैज, दिख रहा है कि नहीं, हु हैज अब्यूज्ड यू, जिसने तुमको गाली दी है, मैं ही तो हूँ जिसने तुमको क्या दी है, गाली दी है। देखो सुना के चले, समझ में आया? तो आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, जैसे ऐसे बात होती है ना, यार पता नहीं कौन आया मेरी पेन चुरा ले गया, बताओ हम नई नई पेन लिए थे, 4000 की पेन लिए थे, 4000, तो मान लो मैं बैठा हूँ तुम्हारे सामने,
मैं करूँ, मैं ही तो हूँ जिसने तुम्हारी पेन चुराई है, क्योंकि मुझे 4000 वाली पेन और कोई नहीं मिल रही थी। मैं करूँ, अच्छा तुम हो, है ना, ऐसे मतलब जैसे एक होता है ना, यार पता नहीं कौन आया, मैं सो रहा था, मेरा बिस्तर ही गायब कर दिया, जैसे खासकर बराती में होता है ऐसे, यार सो रहा था, बिस्तर खींच ले गया, रात को ठंडी लगी तो उठा, तो आप करो, अरे राजू ही तो है जिसने तुम्हारा बिस्तर छीना है, तो आप करो राजू ही तो है, वो देखो वो लेट लेकर सोया है, तो इट्स राजू या इट इज राजू, हु हैज, है ना, हु हैज डिसअपियर योर बेड या योर बेड सीट, जिसने तुम्हारा बेड सीट गायब कर दिया। समझ में आया अभी, क्लियर है इतना? ये होता है। और इट का यूज वहां पर और कहां होता है, तो इट का यूज वहां पर होता है जैसे दिस या डेट के बदले में, दिस या डेट के बदले में, जैसे अभी हमने कहा था यह एक पेन है, यह एक पेन है और यह क्या है, काली। तो देखो पहले यह के लिए चूंकि संकेत क्या जा रहा है, यह एक पेन है, देखो यह पेन मार्कर है, ठीक है पेन ही तो है फाइनली, ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा, दिस इज अ पेन। अब दूसरी बार यह की इंग्लिश दिस नहीं लिखेंगे, दूसरी बार क्या लिखेंगे, इट इज ब्लैक, इट इज ब्लैक, यह काली है। तो मतलब इसका यूज कहाँ हुआ, दिस या डेट के बदले में, दिस या डेट के बदले में, दिस या डेट के बदले में इसका यूज किया जाता है। क्लियर है, समझ में आया अभी, बोलो इतना क्लियर है? तो इस तरह से इसका यूज होता है, बोलो क्लियर है? चलिए, थैंक यू।